के अभी पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, नौजवान जो बाहर जाना चाहते हैं जरूर जहां पूरी दुनिया में जाए, लेकिन किस तरह से वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वो ग्रो होंगे, उनकी फैमिली ग्रो होगी और पाकिस्तान ग्रो होगा, और अल्टीमेटली हम सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रो करे और हमारी ग्रोथ के साथ साथ हमारे कंट्री का जो नाम हो। तो व्हाट डू यू, मैं चाहूँगा सारी सिचुएशन को समराइज कर दें ताकि हम अपने प्रोग्राम को बाइंड अप कर सकें। अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेट की वजह से हमारा वक्त का लॉस हुआ है, तो उसको हम बिल्कुल, फिर कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए अयाज, सबसे पहले बहुत मुख्तसर बात करूँगी उसको जो है वो समेटने के लिए इस पूरे गुफ्तगू को, कि देखिए मैंने शुरू में भी सेशन में बोला लेकिन गालिबन आवाज़ की वजह से मैं अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकी, कि हमने जो है वो ट्रेडिशनली जो है दो पहलू देखे हैं। एक ये कि जी आपने अगर आपको अपने वतन से मोहब्बत है तो आप कभी उसको छोड़ के मत जाएं और आप उधर रहें, और दूसरा पहलू ये कि जी जो हम आजकल देखते हैं बहुत ज़्यादा जो है उरूज पे जो हुआ हुआ है वो ये कि जी अब पाकिस्तान में कुछ नहीं है और खुदा रा प्लीज़ बाहर निकलें, अपने घर वालों को भी लेके जाएं, अपने बच्चों को भी लेके जाएं और फिर मुड़ के कभी मत देखें। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इन दोनों ऑप्शंस की कायल नहीं हूँ, मैं इन दोनों ऑप्शंस के अलावा इस चीज़ की कायल हूँ कि देखें अब दौर ऐसा है, आप जाएं, आपने दुनिया के जिस कोने में पढ़ना है, काम करना है, रहना है, आप जाएं। ये जो दौर है ये एक्सप्लोर करने का दौर है, ये इंजॉय करने का दौर है, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने का दौर है। अलबत्ता अपने मुल्क को जो है हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि इस मुल्क ने हमें नाम दिया है, हमें पहचान दी है। आज भी मैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आजकल जाती रहती हूँ और मैं खुद भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर इधर यूएई में इस वक्त काम भी कर रही हूँ, लेकिन आप यकीन करें मेरी पहचान अभी भी लोगों की नज़र में यही है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और मेरी पहचान हकीकी वाकई ही यही है, और मुझे इस बात में वाकई ही इस बात में कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि मैं आपको आपका मुल्क जो है वो ये दुनिया का दस्तूर है, हर इंसान को उसका मुल्क उसे नाम देता है, पहचान देता है, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, आप किधर भी चले जाएं, जो भी काम करें। तो खुदारा अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को ये सिखाएं कि जी आगे बढ़ें, पूरी दुनिया घूमें, दुनिया के किसी भी कोने में जाके काम करें, पढ़ें लिखें, इंजॉय करें, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं, उससे सीखें, उसमें सिखाएं, यही जो है वो ज़िंदगी का अमल है, कुछ सीखें कुछ सिखाएं, लेकिन अपने मुल्क की पहचान को साथ लेके चलें। हमारे मुल्क की यूथ में बहुत पोटेंशियल है, मैं आज भी, आपने भी ऑफ कोर्स देखी होंगी, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि जी पाकिस्तानी फलाना बच्चे नासा पे पहुँच गए हैं, वो चांद पे चले गए हैं, उन्होंने फलाना जी रिसर्च कर ली है, और वो जो है वो आप समझ लें कि अमेरिका बरतानिया में बैठे हैं और उनको जो है ये शर्फ हासिल है कि उनको इन्वाइट किया जा रहा है, और बड़े बड़े जो है वो आप समझ लें कि जो है वो इदारे और बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पाकिस्तानियों को बुला रहे होते हैं, उनको रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, और वो अपने नाम से पहले एज अ पाकिस्तानी पहचाने जाते हैं। तो मैं बाहर रह के भी लोगों को यही हिदायत दूंगी कि जी आगे बढ़ें, अपने लिए मौके ढूंढें, लेकिन अब वो पुराना दौर नहीं रहा कि जब आप सिर्फ ये सोचें कि जी अगर आपको मुल्क से मोहब्बत है तो सिर्फ मुल्क में रहना है, या फिर अगर आपको अपने अपने आप से मोहब्बत है तो आपने सिर्फ मुल्क से बाहर ही रहना है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रह के भी अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तानी के किसी गांव देहात में रह के आपसे और मुझसे और हम जैसों से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और हम सबसे ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी और बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। तो मैं सबको जो है यही जो है हिदायत दूंगी और यही बोलूंगी कि अपने मुल्क को, अपनी पहचान को साथ लेके चलें, अपनी आने वाली नस्ल को भी ये सिखाएं, अपने बच्चों को ये सिखाएं, अपने शागिर्दों को ये सिखाएं, अपने दोस्तों को ये सिखाएं, क्योंकि जब आप स्पेशली जब आप अपने वतन से दूर जाते हैं ना, तब आपको सबसे ज़्यादा एहसास होता है कि आपने क्या खोया क्या पाया, ठीक है जी, आपको क्या हासिल हुआ क्या नहीं हुआ, और बेहतरीन मुल्क है, मैं अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हमारा इसमें बड़ी पोटेंशियल है, और मैं देख रही होती हूँ कि जी इसमें कितनी भी बदहालियाँ हों, कितने भी मसले मसाइल हों, लेकिन हमारी जो नौजवान नस्ल है वो आई थिंक जो वो इस वो पोटेंशियल रखती है कि कभी भी आने वाले किसी भी दौर में किसी भी साल में हमारे मुल्क में कभी अंधेरा नहीं होगा,
और उजाले की पूरी जो है वो मुझे उम्मीद है और मैं देख रही हूँ। और मैं बाकी सबको भी यही बोलूँगी कि जी बहुत ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव होके ज़िंदगी गुजारें, आगे बढ़ें। और फ़ख्र है मुझे भी कि जी मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और आप भी इस चीज़ पे फ़ख्र करें, कभी भी जो है नज़रें झुका के नहीं, नज़रें उठा के जी।